आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। मंदसौर जिले के बल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में स्थित लाखेरा खेल मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और क्रिकेट टूर्नामेंट के इस आयोजन में रविवार शाम प्रदेश के वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। यही नहीं, मंत्री जी ने भी क्रिकेट का बल्ला घुमाया। दूधिया रोशनी से जगमग हो रहे लाखेरा खेल मैदान में आसपास क्षेत्र की टीमें बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। 16 टीमों का ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है। खिलाड़ियों में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह है। इन दिनों दिन के समय प्रचंड गर्मी अपना कहर बरपा रही है, ऐसे में शहरी और ग्रामीण इलाकों में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और जो कि दूधिया रोशनी और ठंडी हवाओं के बीच आयोजित हो रहे हैं। बूढ़ा में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। टूर्नामेंट के आयोजक श्री राम क्रिकेट क्लब ने बताया कि 16 टीमों का आयोजन है और खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। अगले वर्ष इस टूर्नामेंट को वृहद स्तर आयोजित किया जाएगा। श्री राम क्रिकेट क्लब बूढ़ा द्वारा भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर लाखेरा क्रिकेट ग्राउंड में किया जा रहा है और आसपास के लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र की सभी टीमें यहाँ पर खेलने आ रही है। बहुत ही जोरदार उत्साह आसपास के गांव के खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है और आज हमें यहाँ हमारे क्षेत्र के विधायक और वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा का मार्गदर्शन मिला। सभी खिलाड़ियों का उत्साह जैसे ही मंत्री जी आए डबल हो गया है और भी बढ़ चढ़ कर टीमों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भी एंट्री दो और हमारी यही हम यही चाहते हैं कि आगे भी और बड़े टूर्नामेंट हो। इस बार 16 टीमें हैं तो अगली बार हम 32 टीमों को टूर्नामेंट करेंगे और भी बहुत सारी टीमों को बुलाएंगे, जो रह गई है उनको भी बुलाएंगे और भी भव्य कार्यक्रम करेंगे। श्री राम क्रिकेट क्लब द्वारा भव्य क्रिकेट का आयोजन रखा गया है जिसमें माननीय मंत्री जी, विधायक जी अपने जगदीश जी देवड़ा पधारे थे और कार्यक्रम का भव्य कार्यक्रम रहा है और अच्छे बच्चों में उत्साहवर्धन का उनने बढ़िया मैसेज दिया। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट। तो ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।